नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स आज मुंबई इंडियंस के सामने है। केकेआर ने अपने पहले मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। क्विंटन डिकॉक सिर्फ एक रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। पहले उन्होंने सूर्यकुमार यादव के साथ 90 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप की और इस दौरान 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 15 ओवर का खेल खत्म हो जाने के बाद रोहित शर्मा 48 गेंदों पर 71 रन बनाकर नाबाद थे और इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के ठोके थे। आपको बता दें, पारी के 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव की एक शॉर्ट बॉल को बड़े छक्के के लिए भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये उनकी इस पारी का छठा छक्का था। इसके साथ ही वो आईपीएल के इतिहास में 200 छक्के जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही वो एमएस धोनी के बाद दूसरे ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने आईपीएल में 200 छक्के जड़ दिए हैं। आपको बता दें, इस लिस्ट में पहले नंबर पर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का नाम आता है जिन्होंने अब तक आईपीएल में 326 छक्के जड़े हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एवी डिविलियर्स हैं जिनके नाम 214 छक्के हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी हैं जिन्होंने आईपीएल में अब तक 212 छक्के लगाए हैं। वहीं अब रोहित शर्मा इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। आपको बता दें, पहले मुकाबले में रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला था, लेकिन दूसरे मुकाबले में केकेआर के गेंदबाजों को रोहित शर्मा ने कूट कर रख दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।